अनफॉर्चुनेटली क्या है, हमारे सोचने से, आपके कहने से या मेरे कहने से अगर फ़र्क पड़ता तो बात ही क्या थी। बहुत चीज़ें आगे बढ़ जाती, बहुत सी चीज़ें हो जाती, गुस्सा आता है, खून खौलता है, लेकिन हम उसका कुछ कर नहीं पाते। आई थिंक वन फॉर वन होना चाहिए एज विमेन और एज मैन। वी नीड टू रियलाइज वी कॉन्ट बी डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल। अनफॉर्चुनेटली इन टूडेज डे एंड एज आप चाहकर भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो चाहे वो सेल्फ डिफेंस सीखना हो, और इट मीन्स टू कैरी अ पेपर स्प्रे, और इट मीन्स कि आप शायद जो आपके घर पे जो दीदी आती है काम करने के लिए, उनके बच्चे हैं, आप उन तक पहुँचो, आप उनको कुछ सलाह दो, आप उनको कोई सीख दो, शायद उससे कोई फ़र्क पड़े। बट दैट्स द मैक्सिमम दैट वी कैन डू एज सिटीजन्स। आगे देखते हैं अब क्या होता है। यस, एक छोटा सा सवाल और कि हाल ही में कश्मीर में कठुआ में एक छोटा सा एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है जिसपे बॉलीवुड में काफ़ी नाराजगी है, गुस्सा है, सारे एक्टर्स ने अपना गुस्सा भी दिखाया है। आपका कोई ओपिनियन है उस इंसिडेंट पे कठुआ में जो 8 साल की बच्ची के साथ हुआ? ऑफ कोर्स ओपिनियन है, बहुत बड़ा ओपिनियन है। एंड आई डोंट थिंक ओनली बॉलीवुड में नाराजगी है, आई थिंक ऑल ओवर द कंट्री नाराजगी है, लोगों के ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन लेवल नाराजगी है। इट्स अ वेरी डिसग्रेसफुल, शेमफुल, टेरेबल terrible thing that's happened. As a girl, as a woman, as an individual, as a human being, as a resident and as a part of this country, I feel very bad and very hurt that something like this has happened. Ek time tha jab main bahut pad rahi thi iske upar, and last 2 days I've just parked it. I said if I keep reading about it, it's just going to make me more and more upset and angry and really really hurt. मैंने ट्वीट में भी कहा था कि आई जस्ट होप दैट, आई रियली होप फ्रॉम माई हार्ट दैट जस्टिस इज सर्व्ड। एंड या दैट्स ऑल आई कैन से। एंड आई थिंक एज अ कंट्री एंड एज पीपल एंड एज द पार्ट मेंबर्स ऑफ द मीडिया, एंड आई एम श्योर यू गाइज आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, बट वी शुड रियली गो आउट देयर एंड कंडेम दिस, बिकॉज दिस कैन नॉट बी हैपनिंग टू अस कॉन्स्टेंटली। Just stricter punishment, I guess, which is what the entire nation is unanimously asking for. It's something that we should actually not even be asking. It's something that should be instilled into our children, our boys, right from the very beginning. So I think in terms of upbringing, that needs to change. The boys need to be taught a better mentality, I guess. And as for people who still commit these crimes, I think the maximum punishment ever. This is unacceptable, and we as a nation have raised our voice today, and something needs to be done for sure. Little bit. देखिए, बात ये होती है ना कि पहले हम ईविल को रावण के साथ कंपेयर करते थे, दैट यू नो वी बर्न रावण ड्यूरिंग दशहरा, बट द पॉइंट ऑफ द मैटर इज दैट आई डोंट थिंक इवन रावण क्रॉस दैट लाइन ऑफ मर्यादा विद सीता, ही वॉन्टेड टू वट एवर, सो आई लेट मी नॉट गो टू अ रिलीजियस स्पेस। द होल थिंग इज दैट वट एवर इज हैपनिंग इन आर कंट्री, वेदर इट्स with a 3-day-old child in UP or with Asifa, it's just so shocking. And so I don't think there can be any justice. Both of us, I remember, we were very, very disturbed for days. But we need to, I don't know how you can educate the men in your own homes, or how can you teach humanity to human beings, because they clearly not. और ये ना so, अस्तीफा का भी जो चैप्टर हुआ है, लेकिन ऐसा बहुत कुछ हो गया है, हमें कुछ करने की ज़रूरत है, कंट्री को कुछ करने की ज़रूरत है, एंड हमें कुछ करना चाहिए इसके बारे में। इवन इन इवन दैट पाकिस्तानी गर्ल, द लास्ट ईयर दैट इवेंट दैट हैपेंड, दिस ईयर वॉट एवर हैपेंड, इट्स जस्ट ऑल टू शॉकिंग। आई थिंक द एंड इज वेरी क्लोज। या इट्स कैरी, थैंक यू। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो हमारे कंट्री की, हमारे देश की जो डॉटर्स हैं, दे शुड फील सेफ बाहर जाने में। ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक पेरेंट खुद घबराए और अपने बच्चे को सावधान करे कि बेटा घर से बाहर मत जाओ, घर के अंदर ही रहो। यू नो दैट्स नॉट इंडिपेंडेंस, एंड दैट्स नॉट व्हाट गिव्स यू एम्पावरमेंट एज अ गर्ल, एज अ चाइल्ड, एज अ वुमेन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट योर गर्ल्स फील सिक्योर। वो सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है।
सो आई थिंक अच्छे संस्कार देना बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी हुआ है अभी रिसेंटली, आई थिंक गवर्नमेंट शुड रियली वर्क टूवर्ड्स इट कि ऐसा दोबारा कभी ना हो. एंड वी आर वेरी प्राउड टू से दैट वी आर इंडियन एंड हमारे देश की बेटियाँ बहुत प्रोटेक्टेड है.